नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारी खास पेशकश कोरोना से कैसे लड़े किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। लगातार इस पेशकश में हम आपको बताते हैं कोरोना की ताज़ा स्थिति क्या है और इसके प्रबंधन रोकथाम के लिए क्या कुछ कार्य हर स्तर पर किए जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं कोरोना का जो संकट बना हुआ है उससे उबरने के लिए ना सिर्फ पहले लॉकडाउन की स्थिति हमने देखी बल्कि अब अनलॉक भी हुआ है। और ऐसे में जो ताज़ा आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उसके बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जानकारी भी साझा की जाती है। इसके अलावा हर एक स्तर पर जो कार्य किए जा रहे हैं, अलग अलग कदम जो उठाए जा रहे हैं जो कि काफ़ी प्रभावशाली भी रहे हैं अभी तक, उनके बारे में भी जानकारी साझा की जा रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि के क्षेत्र में बेहतर फसल उत्पादन के लिए किसानों से कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली अपनाने की अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के आज के इस कठिन दौर में कृषि उत्पादन देश के अर्थव्यवस्था की धुरी बन गया है। ऐसे में किसानों का भी कर्तव्य बन गया है कि वे देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। श्री तोमर ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान भाई खेती को एक लाभकारी कार्य बनाने के लिए खेत के प्रकार को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की फसलें उगाएं। किसानों से संवाद करते हुए श्री तोमर ने कहा कि देश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून की शुरुआत के साथ ही कई हिस्सों में फसलों की बुआई पूरी हो चुकी है और कई क्षेत्रों में बुआई की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि बेहतर फसल प्रबंधन कार्य प्रणाली को अपनाकर कृषि उत्पादन को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। बेहतर फसल उत्पादन के लिए पहले से योजना बनाना, सही निर्णय लेना और उन्हें खेत में लागू करना आवश्यक है। श्री तोमर ने बीज चयन, बीज उपचार, बेहतर सिंचाई प्रणाली, कीटनाशकों का सही उपयोग आदि के बारे में किसानों को जागरूक करने व आधुनिक प्रणाली का उपयोग करने पर बल देते हुए कहा कि इससे देश न केवल खाद्यान्न बल्कि आर्थिक मामले में भी आत्मनिर्भर होगा। क्षेत्रीय समिति एक में शामिल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके हैं। लेकिन पहाड़ी होते हुए भी इनकी जलवायु समृद्ध है जो औषधीय पौधों, सगंधीय खेती और केसर के अलावा महंगे और उन्नत फलों की खेती के अनुकूल है। बैठक को संबोधित करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए जैविक और प्राकृतिक कृषि पद्धति के साथ साथ एकीकृत कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने फसल बीमा योजना के फायदों का जिक्र करते हुए किसानों से किसान उत्पादक संगठन यानी FPO के गठन का भी आग्रह किया। साथ ही गांव-गांव में सभी किसानों के लिए कृषि से संबंधित बुनियादी ढांचे और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर जोर दिया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी के मुताबिक देश को आत्मनिर्भर बनाने में किसानों की समृद्धि कारगर साबित होगी। उन्होंने कहा कि कृषि विकास के लिए जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से निजात पाना और राज्य सरकारों का सहयोग हासिल करना जरूरी है। राज्य मंत्री ने युवाओं के लिए कृषि में रोजगार के अवसर पैदा करने की बात की और कहा कि किसानों को उचित मूल्य, बेहतरीन बीज और बाजार तक उनकी पहुंच को मजबूत बनाने की जरूरत है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. त्रिलोचन महापात्रा ने अलग अलग क्षेत्रों में खेती से संबंधित समस्याओं और उसके समाधान के लिए हो रहे अनुसंधानों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जंगली जानवरों और चारे की समस्या भी एक चुनौती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में ही बागवानी के उप महानिदेशक डॉ. AK सिंह ने क्षेत्रवार कृषि समस्याओं को विस्तार से बताया। यहाँ पे इन जिन क्षेत्रों के लिए बैठक बुलाई गई है उनमें
जो मुख्य फसलें हैं ज़्यादातर तो बागवानी फसलें हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम इलाके हैं, पानी की कमी तो नहीं है, वर्षा तो अच्छी खासी होती है, मगर वहाँ पे पानी खेती के लिए उसकी उपलब्धता कम ही होती है, क्योंकि पानी बह जाता है, भूमि का क्षरण होता है। इसकी वजह से किसानों को चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी इन क्षेत्रों में आना जाना इतना आसान नहीं है मैदानी हिस्सों की तुलना में, इसलिए कृषि इनपुट्स को ही वहाँ पे पहुँचाना थोड़ा सा चैलेंज या चुनौती भरापूर्ण होता है। लेकिन फिर भी हम लोग संस्थागत तरीके से, हमारा संस्थान वहाँ पे है जो कि उन क्षेत्रों की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हर तरीके, चाहे कृषि या एग्रीकल्चर विज्ञान की तकनीकियों के विकास से संबंधित हो, नई प्रजातियों का विकास डेवलपमेंट हो, उसके लिए हमारे पास एक सेंट्रल टेम्परेट क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि श्रीनगर में स्थित है, और वहाँ पे जैसे वहाँ की फसलें हैं, एप्पल है, पियर, पीच, प्लम, वॉलनट, चेरी, स्ट्रॉबेरी, इन सब फसलों पे काम होता है। इसके अलावा हम लोग वहाँ से जो तकनीकियाँ विकसित होती हैं वो हम लोग किसानों को अपने माध्यम से भी, और दूसरे राज्यों में जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके भी माध्यम से, और जो राजकीय स्तर की संस्थाएँ हैं राज्य की सरकार की, उनके माध्यम से हम लोग किसानों तक पहुँचते हैं और उनको एक वैज्ञानिक तरीके से, एक विज्ञान निवेशित बागवानी की खेती या फसलों की खेती के लिए प्रेरित करते हैं। यही वजह है कि हमारी उत्पादकता इन फसलों में उन क्षेत्र, उन राज्यों से बढ़ती चली जा रही है, और उम्मीद करते हैं कि अगले 2 या 3 वर्षों में हम लोग जितनी भी फसलें यहाँ, जितनी भी हॉर्टिकल्चर या बागवानी से संबंधित उत्पादों को हम लोग बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, उसका कंप्लीट इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। आज स्थिति ये है कि हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बागवानी की फसलों का, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हिमालय का क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है, इन 3 राज्यों से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक का, इसकी इतनी अपार सीमाएँ हैं, उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं कि कैसे इस रिसोर्स को प्रयोग किया जाए, वैज्ञानिकी का निवेश किया जाए, किसानों के साथ हाथ मिलाया जाए, एक पार्टनरशिप मोड में हम जो है किसानों के साथ, जितने भी अंशधारक हैं उनके साथ इसका प्रमोशन करें और इसका वैल्यू मूल्यवर्धन करें, ताकि समुदाय को भी, हमारी कंज्यूमर्स को एक अच्छी प्रकार का गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के द्वारा उत्पादित उत्पाद सही कीमत पर देश को मिले। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री परशोत्तम रूपाला के अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अलग अलग विभागों के पदाधिकारियों ने शिरकत की। साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बहुत सी पुस्तकों और प्रकाशनों का विमोचन भी किया गया। तो देखा आपने ताज़ा स्थिति क्या बनी हुई है और इससे निपटने के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। पीढ़ियों को तोड़ती, रूढ़ियों को छोड़ती, सशक्तिकरण को ओढ़ती महिलाएं, समाज में भरते प्राण, युवा अरमान, ग्रामीण धरती के कोने कोने में आई एक नई पहचान, पिछड़ी व्यवस्था को चीरकर देती नई उड़ान, पूर्वोत्तर में सरकारी प्रयासों के विकास की नवधारा। देखिए पहली किरण, पूर्वोत्तर की कहानियाँ, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 पर। उपज के भाव ताव, आवक का हालचाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी खास पेशकश कोरोना से कैसे लड़े किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस स्तर पर हमारे देश में ना सिर्फ कोरोना की रोकथाम के लिए बल्कि जो संकट बना हुआ है इसके निदान के लिए, इसके प्रबंधन के लिए क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए जो चिकित्सक हैं वो हमारे किसानों को क्या सलाह दे रहे हैं, आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कोरोना वायरस नाम की महामारी से पूरा विश्व और भारत जूझ रहा है। कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने के 2 तरीके होते हैं। पहला, जब
कोई व्यक्ति छींकता है और खांसता है तो उसके थ्रू जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके थ्रू वायरस एक इंसान से दूसरे वायरस में जा सकता है। और दूसरा रास्ता है कि जब हम किसी बेजान चीज़ों को छूते हैं, जैसे कि डोर का हैंडल है, नॉब है, कोई भी ऐसी चीज़ को हम छूते हैं जिसमें पहले से ही कोरोना वायरस जो है वहाँ पर बैठा हुआ है, उसको हम फिर छू के अपने इस एरिया को छू लें, यानी कि आँखों को, नाक को और मुंह को छू लें तो वायरस हमारे अंदर जा सकता है। तो आपको कुछ बातों का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में कम से कम एक मीटर का फासला होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अगर कोई आदमी छींकता खांसता भी है तो भी जो वायरस है वो इतने डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकता है। नंबर दो, आपको जब भी छींके खांसें तो हमेशा एक रुमाल, एक टिश्यू पेपर या जो आपकी कोहनी का पीछे का भाग है उसको यूज़ कर सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक कोविड 19 की दवा विकसित करने की ओर अग्रसर। वर्तमान में व्याप्त कोरोना महामारी विश्व समुदाय के लिए इस सदी के सबसे भयानक संकट के रूप में उभर कर सामने आई है। कोरोना के नियंत्रण हेतु फिलहाल न तो कोई दवा और न ही कोई टीका उपलब्ध है। परंपरागत रूप से एंटीवायरल दवाओं को विकसित करते समय वायरस के किसी एक प्रोटीन को टारगेट किया जाता है, लेकिन वायरस की अपने आप में तेजी से और लगातार परिवर्तन करने की अपनी क्षमता इस तरह की दवाओं को बेअसर कर देती है। वैज्ञानिकों के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। विकल्प के तौर पर पिछले एक डेढ़ दशक से वैज्ञानिक मानव कोशिकाओं में विद्यमान लगभग 25,000 प्रोटीन में से उन प्रोटीन का पता लगाने में जुटे हैं जो वायरस के लिए तो अत्यंत आवश्यक है, लेकिन जिसमें कोशिका को अपना जीवन चलाने के अन्य विकल्प विद्यमान रहते हैं। ऐसे प्रोटीन को टारगेट कर एंटीवायरल दवा बनाना, जिसे सामान्यतः होस्ट डायरेक्टेड एंटीवायरल थेरेपी कहते हैं, इसमें दवा प्रतिरोधी वायरस उत्पन्न करने की क्षमता ना के बराबर होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार के वैज्ञानिक इस तरह की दवा को विकसित करने में लंबे समय से प्रयासरत हैं। इस दिशा में पिछले सप्ताह केंद्र के वैज्ञानिकों ने होस्ट डायरेक्टेड एंटीवायरल थेरेपी विषय पर एक लेख मशहूर अमेरिकन पत्रिका क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी रिव्यूज में प्रकाशित किया है। इस लेख में वैज्ञानिकों ने परंपरागत एवं गैर परंपरागत एंटीवायरल दवा बनाने के तरीकों एवं वायरस की दवा प्रतिरोधी क्षमता पर प्रकाश डाला है। कोरोना महामारी के शुरू होते ही केंद्र वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी परंपरागत दवाओं पर तेजी से परीक्षण शुरू किया जिनका उपयोग मनुष्य में पहले कभी न कभी अन्य बीमारियों में हो चुका है और जो पूर्णतया सुरक्षित मानी जाती हैं। ऐसी दवाएं सामान्यतः सीधे वायरस पर टारगेट करने के बजाय होस्ट की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। इस दिशा में एक कंपाउंड VTC-NTC1 ने मुर्गी के भ्रूणों को कोरोना वायरस के खिलाफ न केवल पूर्णतया सुरक्षा प्रदान की अपितु भ्रूणों के विकास को भी सामान्य बनाए रखा। तत्पश्चात इस दवा का अन्य विषाणुओं जैसे NTV या RNA वायरस एवं बफेलो पॉक्स यानी DNA वायरस में भी सफल परीक्षण किया गया। उपरोक्त सभी परिणाम इस ओर इंगित करते हैं कि VTC-NTC1 COVID-19 के खिलाफ कारगर साबित हो सकता है। इस दिशा में अभी और परीक्षण जारी हैं।
तो देखिए, आपने चिकित्सक की ये सलाह, ये बेहद ज़रूरी, ना सिर्फ जो चिकित्सक हमें सलाह दे रहे हैं बल्कि सरकार द्वारा भी जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका पालन हमें करना होगा। लॉकडाउन फिलहाल देश में नहीं है, अनलॉक की जो स्थिति है वहाँ पर भी कुछ रियायतें जो हैं या सावधानी जो है वो हमें लगातार बरतनी होगी, जागरूक रहना होगा और हर एक दूसरे व्यक्ति को जागरूक भी करना होगा। फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे ताज़ा जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।